वेलकम टू एग्जाम बे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है और इसमें हम पांच इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बहुत ही क्विकली इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जो एमसीक्यूज हैं ये करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स में से ही बनाए गए हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि जो करंट अफेयर्स होते हैं वहाँ से किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आते हैं। सारे जो क्वेश्चन है सब स्कीम्स से लिए गए 2020 और 2021 में जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं या फिर इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है न्यूज़ में रही हैं जो स्कीम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च संतुष्ट पोर्टल? तो संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो कहाँ कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया गया था? फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसे बोल्ड में कर रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो संतुष्ट पोर्टल क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च संतुष्ट पोर्टल टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज एट ग्रास रूट्स लेवल। ग्रास रूट्स लेवल पे जो एंड लेवल है उस पे किस तरीके से जो लेबर लॉज वगैरह हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ संतुष्ट इज टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पोर्टल है, राइट? और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आने से पहले आप हमारा जो ई फॉर्मेट का ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक विद 1000+ एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स मॉड्यूल है, वो आप ले सकते हो। पेटीएम नंबर भी गिवन है, पेटीएम के थ्रू ले सकते हो, और गूगल पे नंबर गिवन है, इन दोनों में से किसी भी मोड से अभी आप ले सकते हो। 150 रुपीज़ बहुत ही नॉमिनल से इसका प्राइस है। लेने के बाद प्लीज़ ड्रॉप अ मेल टू info@gmail.com, जिससे कि हम आपको तभी जो फाइल्स हैं वो सेंड कर सके, राइट? सो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मिशन इंद्रधनुष? मिशन इंद्रधनुष के बारे में चार स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, इनफैक्ट 3 दिए हैं, तो कौन सा इसमें से करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सो फर्स्ट वन इज, विद दिस स्कीम द गवर्नमेंट एम्स टू एनहेंस द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ चिल्ड्रन बाय इंटेंसिफाइड फोकस ऑन पॉकेट्स ऑफ लो इम्यूनाइजेशन कवरेज। सो बेसिकली इंद्रधनुष स्कीम के बारे में आप जान लीजिए, एक तो कीवर्ड जो इसके साथ जो दो आते हैं वो है, एक तो फुल इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन होती है वैक्सीन्स वगैरह जो लगती हैं बच्चों के। ओके, कवरेज ऑफ चिल्ड्रन बाय इंटेंसिफाइड फोकस ऑन पॉकेट, जो भी एरियाज या डिस्ट्रिक्ट्स, आप पॉकेट्स से आप डिस्ट्रिक्ट भी समझ सकते हो, टाउन्स भी समझ सकते हो, विलेजेस समझ सकते हो, या एरियाज समझ सकते हो जहाँ पे इम्यूनाइजेशन लो हुआ है, किसी जो स्टेट्स वगैरह हैं मेनली जो फोकस है वो वहाँ पे है। ओके, मेनली हमारे देश में कुछ नेक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी इम्यूनाइजेशन लो है, या फिर ट्राइबल एरियाज हैं, या नॉर्थ ईस्ट ने तो बहुत ही अच्छे से कैचअप इस चीज़ को किया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, द स्कीम प्रोवाइड्स वैक्सीनेशन टू चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन। सो सिर्फ चिल्ड्रन नहीं है कवर, प्रेग्नेंट वुमेन भी, क्योंकि वो भी एक तरीके से चिल्ड्रन के साथ एसोसिएटेड हैं, राइट? उनके पास एक बच्चा है जो होने वाला है, तो प्रेग्नेंट वुमेन भी इसमें आती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस इंक्लूडिंग डिप्थेरिया, पर्टिसिस, टेटनस एंड पोलियो। सो टोटल इसमें 8 डिजीजेस कवर हैं, वो हम देखेंगे। अब ये न्यूज़ में था, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0, इसका थर्ड फेज बेसिकली लॉन्च किया है 2021 में, अभी कुछ ही टाइम पहले। और जो भी ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जैसे 2.0 था, 3.0 था, उनका पर्पज़ ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट या एरियाज अभी भी अनकवर्ड हैं इस स्कीम से, उनमें इसे इंटेंसिफाई किया जाए, उन्हें कवर किया जाए, वो डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जाएं इस स्कीम से। ओके, तो कवरेज बढ़ाने का इसका मकसद होता है। इट एम्स टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 ईयर्स, ये आप याद रखना, अंडर द एज ऑफ 2 ईयर्स एज वेल एज प्रेगनेंट वुमेन, अगेंस्ट 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज जो कि हो गए डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, मेलेंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी। अब 2021 में जो फरवरी में ये निकाला था, ये इसलिए क्योंकि 2020 में इम्यूनाइजेशन बहुत ही स्लो हो गया था कोविड पेंडेमिक की वजह से, तो काफ़ी इफेक्ट हुआ था, तो टारगेट्स भी पूरे करने। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाई, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देख सकते हो। ओके,
तो इसका आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फ्लैगशिप स्कीम बेसिकली जो मेन, जो प्राइमरी स्कीम होती है, या आप कह सकते हो जो सबसे बड़ी स्कीम होती है किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर, इंप्लीमेंट करता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली इंडियन जो यूथ हैं, जो युवा लोग हैं, उन्हें इंडस्ट्री रेडी बनाना, ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करके। कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई, क्लासरूम ट्रेनिंग हो गई, सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग इसमें होती है, तो उन्हें ये ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करके देकर उन्हें इंडस्ट्री रेडी बनाना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनीज इससे जुड़ी हुई भी हैं, जो इसके पार्टनर्स हैं वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं और रिक्रूट भी करते हैं। ओके, सो बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट कला कुंभ। तो आप सोच सकते हो कला कुंभ के बारे में, जिसने जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो इसका बता देगा, बट कला कुंभ है क्या चीज़, ये आपको देखना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कला कुंभ इज टू प्रमोट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। ओके, इट इज ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। थर्ड इज द कला कुंभ एग्जीबिशन आर स्पॉन्सर्ड बाई EPCH। फोर्थ इज द GI टैग इज यूज फॉर ऑन हैंडीक्राफ्ट विच कॉरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ये क्वेश्चन इन इट्सेल्फ आपको बहुत सारी जानकारी दे रहा है कला कुंभ के बारे में। ओके, फर्स्ट वन इज कला कुंभ इज टू प्रमोट GI, क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। एब्सोल्यूटली करेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव है, आपको पता होना चाहिए। बी, इट इज ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मिनिस्ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट। अब ट्राइबल अफेयर्स भी कोई कह सकता है क्योंकि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वगैरह आता है, राइट? तो आप इसे मार्क कर सकते हो कि ये सही है, आप सोच सकते हो कि सही है, बट दिस इज रॉन्ग। कला कुंभ एग्जीबिशन आर स्पॉन्सर्ड बाई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। ओके, क्योंकि जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट है वो इंडिया की हेरिटेज भी मानी जाती है, और उनको एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, राइट? और GI टैग के बारे में हमें बताइए क्या होता है। तो अभी तक टोटल 178, जितना मुझे पता है, 178 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुका है, और अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मिलता जा रहा है। हो सकता है 178 से भी ज़्यादा हो गए अभी रिसेंटली, मे बी इन 1 मंथ। वन स्टॉप सेंटर्स आर सेटअप विद एन इंटेंशन ऑफ, वन स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं, वो उनका इंटेंशन क्या है या उनका पर्पस क्या है। सपोर्टिंग सीनियर सिटीजन्स अफेक्टेड बाय अब्यूज एंड वायलेंस, जैसे बच्चे छोड़ देते हैं या इस टाइप का कुछ होता है कि कोई सपोर्ट नहीं है ओल्ड एज में। सपोर्टिंग चिल्ड्रन अफेक्टेड बाई चाइल्ड लेबर एंड वायलेंस, उसके लिए चाइल्ड लेबर, जो चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया जाता है उनके लिए अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। सो दिस इज नॉट द ऑप्शन, ए इज नॉट द ऑप्शन, सी इज द ऑप्शन, सपोर्टिंग वुमेन अफेक्टेड बाई वायलेंस। अब वो वायलेंस घर में भी हो सकती है, पब्लिक में भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। सो आंसर इज सी, वन स्टॉप सेंटर्स आर इंटेंडेड टू सपोर्ट वुमेन अफेक्टेड बाई वायलेंस इन प्राइवेट और पब्लिक स्पेसिस विद इन द फैमिली कम्युनिटी एंड वर्क प्लेस। द OSC विल सपोर्ट इंक्लूडिंग गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि 18 ईयर्स से कम की जो गर्ल्स हैं उन्हें भी ये सपोर्ट करते हैं, और इन्हें सखी सेंटर्स भी कहा जाता है। ओके, सो दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंट MCQs। वेरी वेरी थैंक यू, और आप अच्छे से तैयारी करते रहो। ओके, बिल्कुल ढील नहीं देनी है, अब तो 2 महीने से कम बचे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।